गाइस हम लोग आ चुके हैं कैसी सिटी के अंदर, जिस सिटी के अंदर सिर्फ है गाइस चारों तरफ से आप लोग देख सकते हो कोई सा भी हाउस नहीं है, सिर्फ हमारा हाउस है। और हमें आज जो चैलेंज मिला है भाई वो लिटरली में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पे आप लोग इस चैलेंज के अंदर देख सकते हो यहाँ पे चार रास्ते, मतलब इस चैलेंज के अंदर भाई कुल मिला के चार गेट दिए गए और हमें इन चारों गेटों में से कोई एक ऐसा गेट होगा जो कि यार हमें इस चैलेंज को आगे बढ़ने के देगा। जैसे ही हम लोग इस चैलेंज पे आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएंगे दो बड़े बड़े विंग्स और साथ ही साथ एक स्पॉन पॉइंट भी, ताकि यार हम लोग स्पॉन पॉइंट कलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद भाई ये चैलेंज अब तक का सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज है, क्योंकि इसके आगे जो चीज होने वाली है भाई वो तो काफी ज्यादा खतरनाक है। आपको मिलेंगे काफी ज्यादा टनल्स और ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो भाई ये चैलेंज भाई पूरी चारों के चारों तरफ फैला हुआ है। और गाइस इस चैलेंज को आज मैं प्ले करने वाला हूं, क्या लगता है कंप्लीट कर पाऊंगा? तो आप लोग गाइस नीचे कमेंट पे अंदर भाई ढेर सारे लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। तो वेलकम बैक गाइस, हम लोग आ चुके हैं इंडियन बाइक डेविन डेडी की तरफ। और सबसे पहले हमें इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तो फटाफट यार लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी वीडियो के अंदर लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके बताओ यार ये चैलेंज कैसा है। तो चलो गाइस हम लोग इस चैलेंज को यहाँ पे स्टार्ट तो कर चुका हूँ, लेकिन यार स्टार्ट करने के बाद सामने की तरफ तुम लोग देख सकते हो हमें मिल चुके हैं चार रास्ते। अब इनमें से कोई एक ही रास्ता भाई बिल्कुल सही होगा, बाकी के सारे रास्ते गलत होंगे। तो मुझे लगता है मुझे सेकंड वाला रास्ता जो है वो चूज कर लेना चाहिए। क्या देखते हैं सेकंड वाले रास्ते। ओ भाई साहब ये क्या भाई सेकंड वाला रास्ता, भाई यहाँ से हम लोग वापिस गिर चुके हैं। मतलब गाइस अब हम लोग इस वाले सबसे लास्ट वाले रास्ते के अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या ये रास्ता हमें सब तरफ से पहुंचा देगा। ओके ओ भाई ये भी हम लोग किधर तो पहुंच चुके, और भाई यहाँ पे हमारी गाड़ी अटक चुकी है। मतलब गाइस ये रास्ता भी बिल्कुल फ्लॉप है गाइस, यहाँ पे तुम लोग भी देख ही सकते हो यहाँ के भाई यहाँ पे कोई रास्ता भी नहीं जा रहा। ओके यार अभी हम लोग थोड़ा सा चल के देखते हैं आखिरकार भाई ये रास्ता है कैसा। लेट्स गो गाइस, तो अरे भाई यहाँ पे इस रास्ते के ऊपर आ तो गया। ये क्या हमारी जो बाइक है वो वापिस से नीचे गिर चुकी है। भाई साहब ये चैलेंज तो अभी से ही इतना ज्यादा हो रहा है। तो गाइस अभी हम लोग मैं इस सेकंड वाले रास्ते पे जा रहा हूँ, और भाई ये क्या हमारी जो बाइक है वो इधर आके भाई मैंने इसको बचा दिया बिल्कुल। यार नीचे की तरफ देख सकते थे हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पर कोई बात नहीं यार अभी हम लोग जल्दी से आगे की तरफ तो पहुंच ही चुके हैं। पर इसी के साथ स्पॉन पॉइंट लेने के बाद अभी मुझ चुके हैं यहाँ पे मुझे तीन बड़े बड़े सर्कल, और इनमें से जो एक ही सर्कल होगा जो कि हमें आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं तो यार अभी हम लोग गिर जाएंगे। तो यार अभी मुझे लगता है अब हमें एक ना एक तो सर्कल यहाँ पे चूज करना ही पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस मैं चूज कर रहा हूँ ये बीच वाला सर्कल, हो सकता है भाई इसके अंदर कोई ऐसा रास्ता हो। ओ भाई साहब इसके अंदर भी गाइस अभी हम लोग वापिस से गिर चुके हैं, और ये क्या गाइस दोबारा से हम लोग स्पॉन पॉइंट पे स्पॉन ही नहीं हो पा रहे। भाई ये क्या गाइस लगता है भाई अभी मुझे इस चैलेंज को दोबारा से कंप्लीट करना पड़ेगा। भाई लिटरली में ये चैलेंज तो भाई काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे अलग अलग तरीके के रास्ते हैं, और हम लोग उन रास्तों से निकल के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, वापिस से हम लोग अपने चैलेंज की तरफ आ चुके हैं। लेकिन यार इस बारी मैं जो अपनी बाइक है वो मैं लेने वाला हूँ KTM बाइक। तो गाइस जल्दी से जल्दी आप लोग गाइस अपनी अपनी बाइक का नाम भाई नीचे कॉमेंट पे लिख दो ना। और भाई यहाँ पे अभी हमने वापिस से KTM बाइक मंगा ली, और अभी मैं फाइनल ट्राई करने वाला, क्योंकि यार अभी मैं इस चैलेंज को 100% जीतने जो मैं ट्राई है वो मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे भी मुझे जाना है इस सेकंड वाले रास्ते पर, और जैसे ही मैं सेकंड वाले रास्ते पर जाऊंगा तो 100% मैं इस चैलेंज को यहाँ पे आगे तक आ चुका हूँ। लेट्स गो गाइस मैं इस चैलेंज में आगे तक आ चुका हूँ, और भाई इसके बाद जो है भाई वो तो और ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यार इसके बाद ना अब हमें यहाँ पे लगता है भाई मेरे को लगता है मून ग्रेविटी वेविटी एक्टिवेट है, मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है। क्या लगता है गाइस मून ग्रेविटी एक्टिवेट है क्या यहाँ पे? भाई साहब यहाँ पे अभी हम लोग दोबारा से नीचे गिर चुके हैं, और यहाँ मैं दोबारा से स्पॉन तो हो गया हूँ, लेकिन यार भाई मेरे को लगता है गाइस यहाँ पे कोई मून ग्रेविटी एक्टिवेट है, क्योंकि यार जब हम लोग अपनी बाइक वाइक को यहाँ से भगा रहे हैं ना, तो ओके गाइस इस वाले में भी कुछ नहीं है। तो लेट्स गो, अभी हमें पता लग चुका है असली रास्ता कौन सा है। तो असली रास्ता है गाइस सबसे लास्ट वाला, अगर हम लोग सबसे लास्ट वाले पे पहुंच जाएंगे तो 100% गाइस हम लोग गेम के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट्स गो गाइस मैं इस वाले पे पहुंच चुका, और गाइस इस वाले पे पहुंचने के बाद जो है ओ भाई साहब यहाँ पे तो गाइस कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं थी। भाई अभी हम लोग इस वाले रोड के अंदर आ चुके हैं, जो कि यार बहुत ज्यादा ही ईजी होने वाला है, और अभी तक का जो चैलेंज है वो बहुत ज्यादा ईजी है। तो गाइस लेट्स गो। ओके भाई बिना कुछ सोचे समझे अभी हम लोग आगे की तरफ तो आ चुके हैं। भाई साहब यहाँ पे तो हम लोग बहुत ज्यादा इजी तरीके से पहुंच गए। भाई हमारी जो बाइक है वो यहाँ से नीचे जाके गिर चुकी है, और भाई यहाँ पे तुम लोग इस चैलेंज को तो देख ही सकते हो जो कि यार बिल्कुल एक टनल के अंदर से जा रहा है। तो गाइज ये चैलेंज अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है, तो कोई बात नहीं यार अभी हम लोग इस चैलेंज को ही ट्राई करते हैं बिल्कुल कंप्लीट करने का। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी गाइज नीचे जाके वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब और बेल वाले आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दो। और भाई अभी मैं यहाँ पे अपनी बाइक के ऊपर तो बैठ ही
चुका हूँ और भाई यहाँ से अभी मुझे लेना है आगे की तरफ। ओके गाइस आगे की तरफ तो मैं जंप ही नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि यार भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्टिवेट है या फिर मून ग्रेविटी वेविटी कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पे एक्टिवेट है। तो यार यहाँ पे मुझे अपनी बाइक की जो स्पीड है वो एकदम फुल रखनी पड़ेगी तभी गाइस कुछ यहाँ पे मैं आगे की तरफ बढ़ पाऊंगा। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ से मैंने अपनी बाइक की जो स्पीड है वो बिल्कुल फुल रख ली है। तो यहाँ से गाइस आगे की तरफ आ चुका हूँ और भाई ये क्या है यार, आगे की तरफ आते आते भाई हम लोग दोबारा से बार बार ही गिर जा रहे हैं। तो यार ये लगता है कि गाइस यहाँ पे यार ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा अभी भी टफ लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे जेट पैक चाहिए होगा तभी गाइस इस चैलेंज को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई तो कर ही रहा हूँ भाई इस वाले चैलेंज को कंप्लीट करने का, पर अभी लग रहा है गाइस अभी मुझे रियल जो चीज़ है भाई वो मंगानी पड़ेगी, यानी गाइस अभी मुझे इस चैलेंज को जेट पैक से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले वो भी अपने जेट पैक की मदद से। और आप सभी लोग गाइस जल्दी से जल्दी भाई वीडियो के अंदर लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो ओके गाइस ये क्या हो रहा है यार, अभी भाई मैं इतना ज़्यादा ऊपर कैसे आ चुका हूं। तो यार थोड़ा सा नीचे करते हैं और भाई जल्दी से जल्दी मोड़ते हैं अपनी यहाँ पे सवारी को और भाई जल्दी से चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो लेट्स गो गाइस, तुम्हारा भाई अभी यहाँ से बिल्कुल एकदम फुल स्पीड के अंदर आगे की तरफ आ रहा है वो भी बहुत ज्यादा ईजी तरीके से। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे भी पहुंचने, जैसे कि हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। तो गाइस ये क्या यार, यहाँ तक हम लोग आते आते वापिस से ऊपर की तरफ क्यों मुड़ जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा भाई, अभी हम लोग ऊपर की तरफ जाके चिपक चुके हैं और गाइस जल्दी से जल्दी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग गाइस कहीं ना कहीं तो मुड़ जाए, लेकिन यार ये तो हमें बिल्कुल भी मुड़ने नहीं दे रहा। ओके गाइस यहाँ से मैं अपनी थोड़ी सी साइड ले रहा हूँ, यार भाई ये क्या यार, अभी हम लोग यहाँ से अटक तो चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं यार, अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल यार उतर ही जाता हूँ। तो कोई बात नहीं यार, उतरना ही ठीक है और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक स्पॉन पॉइंट ताकि यार अभी हम लोग फटाफट स्पॉन पॉइंट के साथ ही अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं बढ़ा लेता हूँ एक अपनी बाइक और ओके गाइस यहाँ पे मैंने बाइक तो बुला ली और भाई अभी तक ये मेरा जो चैलेंज है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यार यहाँ पे जो हमारी बाइक वगैरह है ना बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड के अंदर चल रही है भाई। पता नहीं यार ट्रॉन बाइक तो तुम लोगों को पता ही होगा यार इसकी स्पीड, तो भाई इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिलहाल के लिए देखने से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, यहाँ पे भाई मून ग्रेविटी एक्टिवेट है तो ये चैलेंज अभी भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे भी दो रास्ते आए हुए हैं, तो यार इन रास्तों ने भाई मेरे को अपनी मेरी बाइक को एकदम हवा के अंदर बिखेर दिया और यहाँ पे मुझे दोनों रास्तों में से ये लास्ट वाला रास्ता बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। तो गाइस देखते हैं अभी मुझे कौन से रास्ते की तरफ जाना चाहिए, पहले मैं इस वाले रास्ते की तरफ जा रहा हूँ पर कोई बात नहीं यार, अभी सबसे पहले हम लोग इस लास्ट वाले रास्ते की तरफ जाएंगे और यहाँ से हमारी बाइक है जो नीचे की तरफ जाके गिर चुकी है। और भाई अभी मुझे पता लग चुका है यही वाला लास्ट वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो लेट्स गो गाइस, अभी मुझे ये लास्ट वाला रास्ता से अभी हम लोग काफी ज्यादा आगे की तरफ आ चुके हैं और भाई यहाँ से हमारी जो बाइक है वापस से नीचे जाके गिर चुकी है। और भाई यही वाला जो चैलेंज है ना लिटरली में काफी ज्यादा टफ है भाई, यहाँ पे तुम लोग भी देख ही पा रहे यार ये चैलेंज भाई बहुत ही ज्यादा ही वाला टफ हो रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग जैसे ही आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं ना तो भाई यहीं पे ही हम लोग बार बार गिर जा रहे हैं यार। तो यार अभी हम लोग एक बार ही और ट्राई कर लेते हैं, लिटरली में भाई मैं इस चैलेंज को कितनी बार ट्राई कर सका हूँ और भाई कितनी बार हम लोग यहाँ से गिर रहे हैं। ऐसे ऐसे भाई ये चैलेंज लिटरली में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनाया भाई जिस बंदे ने बनाया। तो आप लोग इस वाले चैलेंज को खेलना चाहते हो तो यार नीचे जाके कॉमेंट पर बता देना, देखो मैं इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही दे दूंगा। तो भाई जल्दी से जल्दी कॉमेंट वगैरह कर देना और भाई यहाँ से अभी मुझे बढ़ना है थोड़ा आगे की तरफ और भाई आगे की तरफ तो मैं बढ़ चुका हूँ और भाई ये क्या यार, हमारी जो बाइक है वो बीच में आके अटक चुकी है और यहाँ से मैंने जंप मार लिया जो कि मुझे यहाँ से आके रोक दिया। ओके भाई साहब यहाँ पे जंप वगैरह भी लगाना पड़ेगा तभी हम लोग इस चैलेंज को जीत पाएंगे। वैसे यार मून ग्रेविटी का चीट कोड गया यार, मैं उसको फटाफट एक बार डीएक्टिवेट कर लेता पर यार बिल्कुल चीट कोड उसका याद भी नहीं आ रहा। तो भाई यहाँ पे यार अभी हम लोग इस चैलेंज को लिटरली में भाई कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा ही मुश्किल है यार अभी तक भाई, ये चैलेंज लिटरली में सबसे बड़ा चैलेंज है। और यार अभी हम लोग थोड़ा सा इससे आगे की तरफ बढ़ते और भाई आगे की तरफ बढ़ने के बाद ये क्या यार विंग्स वगैरह दोबारा से आ चुके हैं, तो भाई इन विंग से थोड़ा बचना पड़ेगा क्योंकि यार अभी मेरी जो स्पीड है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। यहाँ पे भाई मून ग्रेविटी लगा हुआ और यहाँ से अभी हम लोग वापस से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और भाई यहाँ पे बिल्कुल भी रोड वगैरह कुछ भी नहीं है, ये रोड सारे इनविजिबल है। पता नहीं भाई कौन से मोड से बनाया गया इस वाले चैलेंज को जो कि यार काफी ज्यादा टफ बना रही है यार, और अभी हमें इस वाले रैम के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पे मैं तुम्हारे भाई ने इस वाले रैम के ऊपर तो चढ़ लिया है और भाई अभी तो मैंने स्पॉन पॉइंट भी लिटरली में मैंने स्पॉन पॉइंट भी नहीं लिया है। और अगर अभी हम लोग यहाँ से गिर जाएंगे तो यहाँ पे मैं काफी ज्यादा दूर जाके पहुंच जाऊंगा जो कि भाई
मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार सी बात लगेगी। तो ओके कोई बात नहीं यार, अभी मुझे फटाफट आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये क्या इतना बड़ा रोड भाई, बीच रोड के अंदर भाई इतना बड़ा रोड आ चुका है। तो यार अभी आप लोग भी देख सकते हो भाई, ये चैलेंज लिटरली में। ओके गाइज, स्पॉन पॉइंट यहाँ पे भाई मेरे को मिल चुका है, जो कि यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार अभी हम लोग इसे फटाफट एक बार कलेक्ट ही कर ले, क्योंकि यार कभी भी आगे चल के भाई अभी हमें दिक्कत हो सकती है। तो यार अभी मुझे इस वाले स्पॉन पॉइंट को लेना पड़ेगा। तो यार अभी एक बार और अभी हमें इससे बढ़िया से ले लेते हैं भाई, कभी यार अभी अचानक से गिर गए तो लेट्स गो। अभी हमने इस वाले स्पॉन पॉइंट को ले लिया और यहाँ से तुम्हारा भाई अपनी बाइक को है वो फुल स्पीड भगाएगा। और भाई ये क्या है यार, फुल स्पीड भगाते अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ही मेरी हेल्थ जा चुकी है। और तुम लोग देख सकते हो भाई इतने बड़े बड़े चैलेंज भाई यहाँ पे यार आ चुके हैं ना लिटरली में, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चैलेंज है। और भाई अभी वीडियो देख सकते हो कितनी ज़्यादा लंबी बन चुकी है, पर उसके बाद भी हम लोगों ने इस चैलेंज को अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए। तो समझ जाओ भाई ये चैलेंज अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज था। तो यार अभी हम लोग वापिस से, वैसे भी गाइस ये एकदम स्काई ट्रैक चैलेंज बोल सकते हो भाई, एकदम स्काई के अंदर ट्रैक बने हुए अलग अलग तरीके के, तो एकदम स्काई ट्रैक चैलेंज ही है। और भाई फाइनली गाइस दोबारा से एक स्टार्ट का पॉइंट आ चुका है, और भाई पता नहीं यार अभी ये चैलेंज कंप्लीट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ओके भाई साहब अभी हमें दोबारा से स्पॉन पॉइंट, ओके चैलेंज हम लोग वस्टेड हो चुका है भाई, काफी मुश्किल चैलेंज था। लाइक सबके शेयर कर दो।